गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम हमारा एमकॉम का जो पेपर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसका जो टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। पिछले क्लासेस में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में देख चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, औद्योगिक संबंध क्यों बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इसके अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे या औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड मानी जाएंगी। तो सबसे पहले ये तय करना बहुत कठिन है कि औद्योगिक संबंध का मूल का एक कठिन कार्य है। तो औद्योगिक संबंध का हम क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो अलग अलग संगठनों ने इसके लिए अलग अलग व्याख्या की है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या कहा है कि औद्योगिक संबंधों में संघों की स्वतंत्रता तथा संगठन के अधिकारों की सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी आदि कार्यों को शामिल करेंगे, क्योंकि औद्योगिक संबंध में जो कर्मचारी या परिवेदनाएँ होती हैं उनको मध्यस्थता पंच निर्णय के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उनकी अधिकारों की सुरक्षा के एवं उनके मध्य सहयोग भी इसमें शामिल होता है। वहीं जो विद्वान है रिचर्ड एंड लेस्टर के कहते हैं कि औद्योगिक संबंध में हम वे सभी प्रयास शामिल करेंगे जिनके द्वारा परस्पर विरोधी उद्देश्य यानी कर्मचारी और नियोक्ता के उद्देश्यों मूल्यों के बीच प्रेरणा एवं आर्थिक सुरक्षा के बीच तथा अनुशासन व औद्योगिक प्रजातंत्र बनाए रखा जा सकेगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो हमारा बना हुआ है उसमें मोटे तौर पर कुछ क्रियाओं को औद्योगिक संबंध में शामिल किया है। जो इस तरह से पहला तो ये है कि सभी वर्गों के संगठन के अधिकारों की रक्षा करना, यानी जहाँ कर्मचारी और नियुक्ता कार्य कर रहा है तो श्रमिक जब कार्य करता है तो वो अपने अधिकारों के लिए अधिकारों की मांग करता है। जहाँ वे कार्य करता है उसको अच्छी कार्यदशाएँ चाहिए, उचित मजदूरी होनी चाहिए, अच्छे संसाधन होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के जो अधिकारों की वो मांग करता है, उन सबके अधिकारों की सुरक्षा औद्योगिक संबंध करता है। इसी तरह से अगर हम देखें जो कर्मचारियों की परिवेदनाएँ होती है, ग्रीवनेंस जो होती है जो कार्य के दौरान, तो उनको निपटाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो कर्मचारी विरोध करे, विद्रोह करे, या दूसरी तरीका है जो उनकी यूनियन बनी हुई होती है, श्रम संगठन बने होते हैं, वो सामूहिक सौदेबाजी का निर्णय लें या सामूहिक सौदेबाजी को अपनाएं। तो सामूहिक सौदेबाजी में आपसी विचार विमर्श द्वारा जो उनकी परिवेदनाएँ होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से जो पक्षकार कार्य कर रहे हैं नियुक्त श्रमिक, उनके बीच किसी प्रकार का विवाद होता है या कोई इस तरह का कार्य चल रहा है जिसके वो पक्ष में नहीं है, तो कर्मचारी और नियुक्ता मिलकर उसको सुलह और कार्यवाही कर सकते हैं एवं आपस में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो कर्मचारी कार्य करता है तो कर्मचारी को श्रमिक संघ बने हुए हैं आज, तो श्रमिक संघ एवं जो नियुक्ता होता है उनके बीच सहयोग की भावना को प्रबल बनाते हुए कार्य करने की रणनीति जो बनाने का कार्य होता है वो भी औद्योगिक संबंध के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं वह अनुशासन की महत्ता मानी गई है, क्योंकि तो संगठन में कर्मचारी जितना अनुशासित होकर कार्य करेगा उतने ही अच्छा सकारात्मक वातावरण वहाँ हो पाएगा। तो औद्योगिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी अच्छे मधुर औद्योगिक संबंध आवश्यक माने गए हैं जो उसके क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कर्मचारी को अभिप्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितना कर्मचारी अभिप्रेरित होगा उसका मनोबल उच्च होगा, वो अच्छी उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो इसके लिए कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागी बनाना आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों में की जो कार्य शैली होती है, जो कार्य करेंगे तो कार्य का जो इम्प्लीमेंट होगा वो कर्मचारी करेगा। नियुक्ता तो केवल अपनी पूंजी लगाता है और मार्गदर्शन करता है क्रियाओं के बारे में, लेकिन वास्तव में जो उस पर कार्य श्रम लगाना है वो श्रमिक करता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देना, उनसे सुझाव आमंत्रित करना, ये सारे कार्य पूंजी में भी उन्हें हिस्सेदारी देना, संचालक मंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व देना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से औद्योगिक जो हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक संबंध जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्षेत्र में सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता एवं कर्मचारी के संबंधों को प्रभावित करती है। हाँ बच्चों, हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ कर्मचारी कार्य करेगा वह नियोक्ता और
कर्मचारी के मध्य संबंध जितने प्रगाढ़ होंगे उतना ही संस्था को लाभ होगा और जो उसका लक्ष्य है वो न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा था वो पूरा होता है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक संबंध का क्षेत्र जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी जो संस्था में अनुशासन बनाए रखने में, उत्पादन बढ़ाने में, कर्मचारी कार्यक्षमता बढ़ाने में, सामूहिक सौदेबाजी और प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता सभी को लेकर चलती है। थैंक यू बच्चों।